गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2023। आज 4th of January है और हम कल मिडनाइट ही सरिस्का नेशनल टाइगर रिजर्व से वापस आए हैं। हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि इस तरह का कभी भी स्टेकेशन एक इतनी रॉ जगह में हमने नहीं किया था। कैंपिंग था, मतलब दो देयर वर लग्जरी कैंप्स, बट स्टिल जो एक एनवायरमेंट था और जो एक फील थी वो बहुत ज्यादा रॉ थी। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो किया अपना हेयर ऑयलिंग, बिकॉज मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि देयर इज 250 ग्राम्स और हाफ के जी सॉयल इन माई हेयर। तो जब तक मैं इसे वॉश नहीं कर लेती मुझे अभी आराम नहीं आएगा। एंड यस, लेट्स टॉक अबाउट सरिस्का अगैन। तो वो जगह अपने आप में बहुत रॉ है, बहुत फैंसी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, स्टिल वहाँ पे यू नो एक इंडिया का एक रॉनेस है जो आप इसे एक्सपीरियंस करोगे। बट ऑब्वियसली एक नेशनल टाइगर रिजर्व है तो कुछ भी मॉडर्न नहीं है, बिल्कुल जंगल टाइप थीम है। आपको जंगल सफारी पे जाने को मिलता है, प्लस आपको एक इतने ज्यादा विंटेज हिंदू टेम्पल में जाने को मिलेगा इफ यू वॉन्ट टू गो देयर। ऐसा हमें बताया गया कि जब पांडु पुत्र भीम जो थे अपनी तपस्या कर रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें खुद वहां लाइव आके दर्शन दिए थे। तो वहां पर वो 5000 साल पुराना टेम्पल है जहां हम गए, एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था क्योंकि मैंने बताया कि कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं है वहां पर। एक चीज जो पर्सनली मैंने और अक्षत ने एक्सपीरियंस की कि जब हम किसी ऐसी एडवेंचरस जगह पे जाते हैं तो एक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे अगर सिर्फ दोनों उठ के चले जाते तो शायद इतने मजे ना करते, लेकिन देयर वर 6 कपल्स इंक्लूडेड अस, तो फील ही अलग थी, इंजॉयमेंट ही अलग था। मुझे सच में नहीं याद कि मैं अपना पेट पकड़ के इतना कब हंसी हूं। मतलब सीरियसली कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पेट में दर्द हो गया था और आंखों में से आंसू निकल गए थे, एंड वी वर लाफिंग लाइक एनीथिंग। मतलब कुछ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे एक साथ बैठे हुए हैं और बस हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा न्यू ईयर स्टेकेशन कुछ भी और हो सकता था। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड अगेन आई एम थैंकफुल कि हमें ये एक एक्सपीरियंस करने को मिला। और बहुत टाइम हो गया था, पोर्ट लंच क्या होता है, पोर्ट ब्रेकफास्ट क्या होता है, मैं तो ये भूल ही गई थी। याद है वो डेज जब हम ऑफिस में होते थे तो कभी कभी पोर्ट लंच हो जाता था, सब अपने अपने घरों में से कुछ कुछ बना के लाते थे और साथ में करते थे। लेकिन आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना था तो ब्रेकफास्ट के लिए कहीं हम रुके नहीं, तो सैंडविचेस मैंने घर पे बना लिए थे, किसी ने कुछ इडली बना ली थी और एक जगह पे हम लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकी और वहां पर उस ब्रेकफास्ट को करा। करने को वो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कर सकते हो, किसी भी ढाबे पे जाके कर सकते हो, लेकिन वो जो एक पोर्ट टेबल का जो मजा होता है उसकी बात अलग कुछ और होती है। देन लंच के लिए भी कोई घर से कुछ बना के लाया था, किसी ने कोई डिश बना ली थी, तो वो एक पोर्ट लंच, एक पोर्ट ब्रेकफास्ट, ओवरऑल यू नो 12 पीपल इंक्लूडेड, सो मेनी किड्स, कुछ इन्फेंट्स भी थे, तो यार उसका मजा बहुत अलग था। इवन आई कैन नॉट एक्सप्रेस, लेकिन हाँ ओवरऑल इट वॉज टू गुड। बाकी अभी जब मैं व्लॉग एडिट करूंगी देन उसको लाइव करूंगी, आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने कितने मजे करे हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, लेकिन एक ग्रुप में जो मजा है ना वो दो लोगों में नहीं आता, ये चीज तो मैंने देख ली है। और इस ट्रिप को करने के बाद मैंने और अक्षर ने एक्सपीरियंस किया, बेटा दो लोगों से चार लोगों से कुछ नहीं होता। इफ यू वॉन्ट टू हैव सो मच फन देन यू नीड सो मेनी पीपल। ओके, तो अगर आप सरस का प्लान कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास लोग होने चाहिए। अगर आप दो लोगों में, चार दो लोगों में भी जाने की सोच रहे हो तो डोंट गो, क्योंकि कुछ इतना ज्यादा फन आपको नहीं आएगा। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पीपल एंड अपार्ट फ्रॉम यू नो योर ओन कॉन्वर्सेशन, योर ओन फन, वहां पर ऐसा और अलग से और कुछ भी नहीं है। ट्रैवल है वो भी, रास्ते बहुत खराब हैं। अगर आप गाड़ी में हो तभी आपको लोगों की जरूरत है, आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तभी आपको लोगों की जरूरत है। तो अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो सो बी प्रिपेयर कि किसी फैमिली के साथ और बल्क के अंदर जाओ तभी मजे आएंगे। बाकी नेशनल टाइगर रिजर्व गए थे और हमें टाइगर दिखा या नहीं दिखा ये तो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो मैं अभी थोड़ा टाइम निकाल के एडिट करूंगी, मे बी इन अ डे और टू वो मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाएगा। सो यू कैन हैव अ लुक हम लोगों ने क्या क्या वहां पर करा और हमें टाइगर दिखा या नहीं दिखा। अभी आई एम डन विद माय ब्रेकफास्ट और अभी तक मैं अपनी एनर्जी गैदर अप नहीं कर पा रही हूँ सारी चीजों को अनपैक करने की और उसे फिर से अपनी अपनी जगह पहुंचाने की, बट समहाउ वो भी करना ही है क्योंकि कल से मुझे अपना काम रिज्यूम करना है।
इट्स बीन लाइक 15 डेज, कोई भी काम नहीं हो रहा है. अलग ही मोड चल रहा था कुछ, सब कोई वेकेशन पे था, किसी के गेट टुगेदर्स चल रहे थे, चिलिंग चल रहा था. तो अब बहुत हो गया मजाक, नाउ बैक ऑन द ट्रैक. कल से सारे काम रिज्यूम करने हैं और अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करते हैं. वैसे एक चीज़ जो मैंने सरिस्का में बहुत ज़्यादा मिस की वो था एक अच्छा खाना, क्योंकि राजस्थान है और बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी सेटअप्स हैं, तो आपको उस लेवल का और उस क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट डे थैंकफुली हमारे पास घर का ब्रेकफास्ट था, लंच था, तो फर्स्ट डे निकल गया. सेकेंड डे यू नो वी वर एक्चुअली क्रेविंग फॉर गुड फूड, तो या वो थोड़ा बहुत वहां पर इशू आता है, बट ज्यादा दिन का कुछ ऐसा नहीं था. सेकेंड डे, थर्ड डे, तीनों दिन निकल गए फिर भी. तो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने जो डिसाइड किया वो किया मैंने आज राजमा चावल बनाने हैं. किसी भी स्टेकेशन से आओ तो लगता है ना कि चलो लेट्स हैव आवर फेवरेट डिश फर्स्ट. तो जब भी मैं कहीं बाहर से आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है लेट्स हैव सम दाल चावल और राजमा चावल. तो आज बनने वाले हैं राजमा चावल. एंड बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं. सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस चीज पर आ रही है, मैंने जितने जोश में पैकिंग की थी ना ड्रेसेस की, ये भी रख ये भी रख ये भी रख. फर्स्ट ऑफ जनवरी वहां पर मौसम फिर भी नॉर्मल था, बट सेकेंड ऑफ जनवरी इतनी ज्यादा ठंड थी कि बाथरूम में शॉल लेने के नाम से भी डर लग रहा था, क्योंकि वो जगह बहुत ओपन है, सारा जंगल है, तो वहां पे ठंड एज कंपेरेटिवली टू सिटीज बहुत ज्यादा थी. तो ड्रेसेस के नाम पे जो मैं रखे गई थी हार्डली उसमें से कुछ यूज हुआ, सिर्फ ट्रैक सूट्स और स्वेटशर्ट्स और स्वेटर्स ही काम आए. तो वो एज इट इज मुझे अब वापस से रखने हैं, बाकी सारी चीजों को सेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. अभी ये कुछ सामान है जो मुझे अनपैक करना है. बाय द वे ये हमें रास्ते में मिला था अलवर में, ये पढ़ते हैं बाबा ठाकुर दास एंड सन्स, इनकी एक कलाकंद की शॉप है जो बहुत ज़्यादा फेमस है. तो हमने थोड़ी मिठाई ले ली. बाकी इस सामान को अभी मुझे अनपैक करना है, ये भी है और भी बहुत कुछ है. यहाँ पर राजमा मैंने सोक कर दिया था तो अब इसे भी तैयार कर लेते हैं. फर्स्ट राउंड ऑफ लॉन्ड्री ऑलरेडी हो चुका है, नाउ दिस इज माय सेकंड राउंड. इसमें मैंने सारे जितने भी वुलन थे स्वेटशर्ट्स टाइप उसके लिए अलग से रखा हुआ था. थैंक गॉड ये ऑटोमेटिक मशीन है, वरना तो इंसान छुट्टियों पे से आके पागल ही हो जाए लॉन्ड्री करते करते. ओके, तो अब इसे भी कर देते हैं. और दिस इज द रियल सिचुएशन जब आप पैकिंग करने के लिए 10 चीजें निकालते हो और सिर्फ 5 चीजें लेके जानी होती हैं, और फिर जब आप वापस आते हो तो आपको ये सारा खलेरा ऑलरेडी मिलता है. मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है कि मैं जंगल में ये सब कुछ क्यों लेकर गई थी. और सोने पे सुहागा, ये आई कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लेके गई थी. सीरियसली मतलब दिस वॉज समथिंग जो बहुत ज़्यादा काम आया है, दिस वॉज समथिंग जो बहुत ज़्यादा काम आया है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी. इसे कहते हैं अपना काम खुद बढ़ाना. बट अब इसे फिर से पहले निकालो फिर लगाओ, ये काम और ज़्यादा बढ़ गया है. इससे अच्छा तो इसे लेके ही ना जाती. मुझे पैकिंग के अंदर कुछ कोर्स वोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सेसिव सामान को पैक कर लेती हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और फिर आने के बाद तभी मैं सोचूं कि मुझे इतना टाइम क्यों लगता है हर चीज़ को फिर से रीसेट करने में. सो ये रीज़न है. यहाँ राजमा का मसाला भुन रहा है, जब तक इसका मसाला भुनता है हम लोग बना लेते हैं कोल्ड स्लो सैंडविच. बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ वेजीज हैं जो ऑलरेडी कट हैं, देन ये मेयो आ गई. अगर फ्लेवर आपको स्वीट का पसंद है तो ये स्वीट चिली सॉस इसमें जाएगी, प्लस इसके अंदर जाएगी ये चिली सॉस, थोड़ी सी रेड चिली. सिर्फ पहले मैंने सारे सॉसेस को मिला लिया है, अब इनको अच्छे से इन सारे वेजीज के अंदर हम रैप कर लेंगे और फिर सैंडविच में लगा लेंगे. रैपिंग के टाइम पे कुछ इस तरह का ये दिखना चाहिए, ज़्यादा मेयो भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा वेजीज भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो फ्लेवर होगा वो इतना अच्छा निकल के नहीं आएगा. तो यहाँ पर हो गया है राजमा रेडी. आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो, और अगर ऐसे ही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें. टिल देन बी सेफ बी हैप्पी, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.